हेलो फ्रेंड्स, क्रिएशन आर्ट वर्ल्ड की तरफ से मैं आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। मैं हूं आप लोगों के साथ आर्ट डायरेक्टर पुलकेश प्रामाणिक। मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूं। पीछे वॉल पे जो म्यूरल दिख रहा है, कंक्रीट वॉल पे डायरेक्ट सीमेंट से कैसे बनाते हैं रिलीफ म्यूरल, वो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कैसे बनाते हैं, प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका से बताऊंगा, दिखाऊंगा, बीच बीच में कमेंट करते रहूंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए, साथ में रहिए, और हमारा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और राइट साइड में दिया गया बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, नहीं तो कोई भी नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आप लोग हो सकता है मूल्यवान वीडियो मिस भी कर सकते हैं, तो चलिए पूरा वीडियो देखते रहिए, साथ में रहिए। फर्स्ट थिंग ये है कि इस काम के लिए क्या क्या टूल्स का जरूरत पड़ सकता है। मार्केट में क्या टूल्स अवेलेबल है ये मेरे को पता नहीं, और मार्केट में प्रॉपर टूल्स मिलेगा भी नहीं, तो मैंने अपना हिसाब से टूल्स अरेंज कर लिया। मेरे पास जैसे फाइल है, सीजल है, छैनी है, गाउज, फरसी, हथौड़ी, उषा, कोर्निक, नाइफ, टीस्पून, और जो हैक्सो ब्लेड होता है उसका टुकड़ा, ब्रश वगैरह वगैरह। मैंने एक चॉक लिया और एक वुडन स्टिक लिया, उसके सामने मैंने सेलो टेप से उसको लपेट दिया ताकि वो फिक्स हो जाए। एक्चुअली मैं ये दूर से ड्राइंग करने के लिए स्टिक यूज़ किया, क्योंकि सामने से अगर ड्राइंग करेंगे तो पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शन और स्पेस डिवीज़न ये सब गड़बड़ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि स्टिक ही यूज़ करना पड़ेगा, तो अपना हाथ से भी कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया ताकि टाइम कम लगे। अगर नॉर्मल प्ले करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो सकता है, देखने के लिए थोड़ा सा तकलीफ होगा, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो देख रहे हैं एक्चुअली सैंड है, सैंड को बारीक नेट से हम लोग ने छान लिया। सैंड जितना बारीक होगा अपना डिजाइन उतना फिनिशिंग और बारीक कर सकते। ये मोल्डिंग बिट है, बहुत सारे लोग इसको हाथ से ही बना लेते हैं, लेकिन मैंने एक वुडन फार्मा बना लिया जिसके ज़रिए से थोड़ा सा इजी हो जाता है, अच्छा बन जाते हैं। मैंने जगह जगह पे ड्रिल करके नेल लगा दिया, जिधर थिकनेस और हाइट ज़्यादा रहेगा उधर ही। मैंने पहले वॉल को पानी से भिगा लिया, उसके बाद पतला सीमेंट का घोल बना के ब्रश से लगा दिया। इसके बाद पतला एक रेती और सीमेंट का लेयर मैंने चढ़ा दिया, उसके बाद ठीक करके आप लोग लेयर चढ़ा सकते हैं। Thank you.
हूँ।